एवरीवन, देखिए चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्लास इलेवंथ का चैप्टर है, ठीक है। तो देखो, जैसे आपको पता ही है फिजिक्स की भी कई सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। जैसे हम इलेवंथ क्लास में हमारी क्लासिकल फिजिक्स चलती है, और जो आपके पास ट्वेल्थ क्लास के अंदर वहाँ मॉडर्न फिजिक्स चलती है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये सब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो क्लास इलेवंथ में आपकी क्लासिकल फिजिक्स है, इसके अंदर हमारे पास देखो जैसे कई सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। जैसे हम मैकेनिक्स की बात करें या फिर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ठीक है, वो सब आप कहाँ पर पढ़ोगे? क्लास इलेवंथ में पढ़ोगे। अब ये मैकेनिक्स क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब कुछ रिलेट होगा यहाँ पर। देखो मैकेनिक्स क्या है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इस चीज़ की स्टडी करते हो। आगे इसकी भी फर्दर ब्रांचेज हैं, जिसमें हमारे पास स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो रेस्ट पर, और काइनेमेटिक्स में क्या है, आप ऑब्जेक्ट की स्टडी करो जब वो मोशन में है, लेकिन आपको इसके अंदर ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि उसका मोशन का कोज क्या है। और जबकि हम अगर डायनेमिक्स की बात करें, इसके अंदर भी आप स्टडी क्या कर रहे हो, मोशन की ही कर रहे हो ऑब्जेक्ट की, लेकिन इसमें आपको क्या है, ये जानना ज़रूरी है कि इसका मोशन का कोज क्या है, ठीक है। अब जैसे मोशन का कोज क्या होगा, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक, ठीक है, ये कैसे मोशन में आ सकता है? या तो इसको फोर्स दी जाए, ठीक है, फोर्स कुछ लगेगी इसके ऊपर, तभी ये क्या होगा, मोशन में आएगा, ठीक है। और इसके मास पे भी डिपेंड करेगा मोशन, ठीक है ना, कि तेज होगा मोशन या स्लो होगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? फास्ट होगा मोशन या स्लो होगा। या फिर जैसे आपको पता है कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको, इसका अगर कुछ मास है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पर मोशन में आ जाएगा, यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है। तो ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, वहाँ ये डायनेमिक्स वाली बात होती है, ठीक है। अभी जो हमारे पास जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। इसमें हमें ये ज़रूरत नहीं है कि मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन हमें यहाँ पर पता नहीं करना, ठीक है। और हम यहाँ पर वेरियस कैलकुलेशंस यहाँ कर सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। आगे धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो देखो मैकेनिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्या है यहाँ पर, ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। सब ब्रांचेज है मैकेनिक्स की, क्या है, स्टैटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब भी यही होता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर किसकी स्टडी हो रही है, मोशन की, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, इसमें हमें कॉज ऑफ मोशन पता करने की जरूरत नहीं होती। डायनेमिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन सेम काइनेमेटिक्स वाली बात है, लेकिन इसमें क्या है, विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर आपको मोशन का कॉज पता होना चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स और मास की यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, ये कुछ आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, इस तरीके की, ठीक है। अब देखो चैप्टर पे आते हैं हम। देखो आपको क्लास नाइन्थ के अंदर भी एक चैप्टर था मोशन, वही है ये भी चैप्टर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड में है। तो अगर आपको वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर भी मैं आपके सारे कंसेप्ट तो क्लियर कर ही दूंगा, क्लियर। तो देखो जी, रेस्ट, रेस्ट क्या है, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट। देखो सिंपल सी एक बात को समझो, रेस्ट क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम पास हो रहा है, टाइम चल रहा है, ऑब्वियस है टाइम रुकता तो है नहीं किसी के लिए, ठीक है। जैसे मान लो एक पर्सन है और वो यहाँ पर है, ठीक है, तो आपने 2 सेकंड बाद देखा वो पर्सन यहीं पर है, 3 सेकंड बाद देखा यहीं है, टाइम का क्या हो रहा है, पासेज हो रहा है, लेकिन जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये किस पर है, रेस्ट पर है। अब आप कहोगे सराउंडिंग क्यों लिखा, अब ये सराउंडिंग की डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे कि रेस्ट और मोशन जो है रिलेटेड टर्म है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। अभी के लिए जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि क्या होता है, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, ठीक है, पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि हमने बोला अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर या अ पर्सन सिटिंग या अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज, ठीक है। मोशन की हम बात करें, अगर अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई भी या पर्सन अपनी पोजिशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि आप कहो एक वॉकिंग बॉय है, गर्ल है, मैन है, कुछ भी है, ठीक है, वॉक कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आपने उसे जब देखा तो वो मान लो इस पोजिशन पर था, ठीक, यहाँ पर था इस पोजिशन पर, मान लो ये कोई आपके पास यहाँ पर ये एक रोड है, ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर वॉक कर रहा है, ठीक, जब आपने देखा तो यहाँ पर है, फिर 2 सेकंड बाद देखा वो यहाँ पर आ गया, फिर 4 सेकंड के बाद देखा वो यहाँ पर आ गया, तो यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि ये क्या है, मोशन में है, क्योंकि विद द टाइम, जब टाइम पास पासेज तो होगा ही होगा, रुकेगा नहीं टाइम, तो क्या हो रहा है, ये पर्सन
अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, यानी कि ये किस में है, मोशन में है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी एक वर्ड आता है एंड सराउंडिंग्स, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो क्लियर है, रेस्ट और मोशन समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सी भाषा। क्या रेस्ट क्या है, जो बॉडी क्या करती है, पोजीशन चेंज नहीं करती विद टाइम, वो रेस्ट पे। और जो मोशन का मतलब हुआ, अगर बॉडी पोजीशन चेंज करती है विद टाइम, वो क्या है, मोशन में। अब मेन बात आती है यहाँ पर कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। अब नॉर्मल बात अब कहोगे रेस्ट और मोशन का तो सभी को पता होता है, लेकिन मेन कहानी जो यहाँ पर आपको समझनी है कि रेस्ट और मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी और के लिए वो मोशन में हो सकता है सेम टाइम में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। मतलब समझ रहे हो, कोई पर्सन किसी के लिए रेस्ट में है और उसी टाइम वो किसी और के लिए क्या होगा, मोशन में होगा। देखो कैसे, इस चीज़ को समझो। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक हमने कार बना दी, ठीक, कार बना दी हमने ये, और इसमें ये दो पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक पर्सन ये बाहर है, ठीक है। अब समझना, ये जो पर्सन है, ये पर्सन है, इसके रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, ये जो पर्सन है इसके रिस्पेक्ट में बताओ मोशन में है या रेस्ट में है। ये कार मूविंग है और चल रही है, ऑब्वियस बात है थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ पर होगी। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो यानी कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो पर्सन है इसके रिस्पेक्ट में बताओ ये मोशन में है या रेस्ट में है। ध्यान से समझ लो बात को, जब भी मैं कहूँ ना इसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब क्या, ये इसको देख रहा है, तो इसके लिए ये रेस्ट में है या मोशन में है? ऑब्वियसली बात है मोशन में है, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यही पर्सन, अब इस पर्सन के लिए, दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, रेस्ट में है या मोशन में है, किसमें है जल्दी बताओ, रेस्ट में है। मतलब देख रहे हो, यही पर्सन है, इसके लिए क्या है ये, मोशन में हो गया, ठीक है, और इस वाले के लिए क्या हो गया, ये इस वाले के लिए रेस्ट में हो गया। तो मतलब पर्सन एक ही है, एक ही टाइम की बात हो रही है, इसके लिए क्या है वो मोशन में, और इसके साथ क्या है वो रेस्ट में। क्यों रेस्ट में है, देखो ये बंदा जब इसको देख रहा है, वो भी बात है, जब मैं कह रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये इसको देख रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। इसके साथ अगर इतना डिस्टेंस है, इसका इतना ही है, समझ पा रहे हो बात को, तो ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, तो यानी कि इसके साथ रेस्ट में है। अब इसके साथ ये मोशन में कैसे हो गया, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, ये पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं इसमें, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ है, तो ऑब्वियस बात है इस पर्सन के लिए ये पर्सन क्या है, मोशन में। तो मतलब क्या है, एक ही पर्सन है, जब ये देख रहा है उसको तो वो मोशन में दिख रहा है, और जब ये देख रहा है तो वो रेस्ट में। तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, यही आपको चीज़ समझनी है। जैसे हम बहुत से एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और ट्रेन से जब आप बाहर देखते हो विंडो में, तो जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं बैक साइड में, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वैसे तो आपको पता है कि ट्रीज तो कभी मूव नहीं करते, वो तो आप सोचोगे कि वो तो रेस्ट में है, बट यहाँ पर अगर हम फिजिक्स में जब बात करते हैं, तो वो ट्रीज अब क्या हो गए हैं, मोशन में हो गए हैं। अब किसी नॉर्मल बंदे को आप कहोगे तो वो हंसेगा कि अगर ट्री कब से मोशन में हो गए, ट्री तो रेस्ट पे ही होते हैं, वो थोड़ी मूव करते हैं। लेकिन कहानी को समझो, रिलेटिव टर्म की बात जब हम कर रहे हैं, आप ट्रेन में हो और आप विंडो से बाहर देख रहे हो, तो वो जो ट्रीज हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब क्या है, आपको देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके लिए वो क्या हो गए हैं, मोशन में हो गए हैं। ट्रीज क्या हो गए हैं, मोशन में हो गए हैं, जबकि वैसे तो आपको पता ही है कि वो रेस्ट में होते हैं। तो यही कहानी समझनी है यहाँ पर, समझ रहे हो, ये वो वाली बात नहीं है कि आप समझो कि बस रेस्ट और मोशन, ये तो सभी को पता है रेस्ट मोशन क्या होता है। नॉर्मल पर्सन ये नहीं बोल सकता कि वो ट्रीज पीछे जा रहे हैं तो वो मोशन में, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ सोच सकते हो कि जब ट्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके लिए वो क्या हो गए, ट्रीज मोशन में हो गए हैं। समझ रहे हो बात को या नहीं, ये चीज़ क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये देखो, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन सेम टाइम में हो सकता है वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए। एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, अब ये भी न्यू टर्म आ गई आपके पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और सराउंडिंग, दो बातें करनी है अभी हमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और सराउंडिंग्स की बात, दोनों रिलेट करेंगे एक दूसरे से। देखो जैसे ये पर्सन इसको देख रहा था जब, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट था या पर्सन था जो अंदर बैठा हुआ था, इसके लिए ये क्या था, मोशन में था जब मूविंग कार थी, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था इसके लिए, इस पर्सन के लिए रेफरेंस क्या था, ग्राउंड था। जब भी आप किसी चीज को देखोगे, रेस्ट है या मोशन है, तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हो। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है,
ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड आपने सोचा है तभी तो ये चीज़ मोशन में दिख रही है। अब जैसे हम बात करें कि ये वाला जो पर्सन बैठा था दिखाई दे रहा है, ये वाला पर्सन जब हमने कहा था कि इस पर्सन को बताओ विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या है, ये रेस्ट में। विद रिस्पेक्ट टू दिस का मतलब क्या है, ये इसको देख रहा है तो रेस्ट में, क्योंकि ये पोजीशन नहीं चेंज कर रहा तो रेस्ट में, ठीक है। लेकिन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है फिर बताओ, ये मूविंग कार है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तभी तो पोजीशन नहीं चेंज हो रही। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो बाहर इस पर्सन को ले ले, समझ रहे हो बात को, तो फिर अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाला पर्सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको लेगा तो ये वाला इसको फिर क्या लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा मेनली कि हम किसको ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो बताओ। जैसे इसको और एग्जांपल से हम समझते हैं, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेम ऑफ, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तो सराउंडिंग एक ही बात है, समझ रहे हो ना, सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया था मोशन में, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया ये रेस्ट में, तो सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। और मेन बात क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोड था, और इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अंदर पर्सन बैठा है इसके लिए क्या है, ये मूविंग कार था, ठीक है। अब देखो जैसे इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर लें कहानी को, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दिया था वो क्या दिया था, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार इज इन मोशन, जो मैंने अभी आपको समझाया, इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आउटसाइड द कार। तो ये वाला जो पर्सन था विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन क्या था, मोशन में था, ठीक है। बट इज एट रेस्ट, लेकिन ये पर्सन रेस्ट में है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इनसाइड द कार, इनसाइड में जो पर्सन है ये वाला, इनसाइड में जो पर्सन है उसके साथ क्या है, ये रेस्ट में है। समझ रहे हो ना, ये एग्जांपल समझ में आया, ये पर्सन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या है, मोशन में है, क्योंकि ये आउटसाइड द कार है बंदा, ठीक है। और इनसाइड वाले पर्सन के साथ ये क्या है, रेस्ट में है, समझ रहे हो। यही हमने यहाँ पर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और यही चीज़ मैंने आपको समझाई है, ठीक है। थोड़ा सा और आपको क्लियर करने के लिए, ये कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है इस, ये क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है, रेस्ट और मोशन ये सभी को पता है क्या होता है रेस्ट मोशन, बट ये रिलेटिव टर्म है कि कोई पर्सन कभी मोशन में हो सकता है और सेम टाइम में वो किसी और के लिए क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, वो समझो। देखो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ तीन पर्सन खड़े हैं बस स्टैंड पे, ये क्या है, बस स्टॉप है, जैसे हम मान लेंगे, ठीक है, बस स्टॉप है यहाँ पर, ये तीन पर्सन खड़े हैं, इनका नाम देते हैं ए बी और ये सी। और फिर वही है, ये एक कार है मान लीजिए, ठीक है, और इसके अंदर भी दो पर्सन बैठे हैं जिनका नाम है ई और एक का नाम है एफ। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से समझना जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ये कार क्या है, मूविंग है, क्या है ये कार, मूविंग है, ठीक है। अब समझना, ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, रेस्ट में है या मोशन में। देखो जब भी मैं विद रिस्पेक्ट टू बी या विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी लिखूँ, वो मतलब क्या है कि वो बंदा उसे देख रहा है दूसरे को। जैसे मैंने कहा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी देख रहा है ए को, तो बी के लिए बताओ ए रेस्ट में है या मोशन में, तो यानी कि इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। बी जब इसको देख रहा है विद टाइम, तो इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो यानी कि ये क्या है, रेस्ट पे है, तो हम लिख देंगे रेस्ट पे है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक। अब ए विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान समझना, ई, ये पर्सन विद रिस्पेक्ट टू, और ये मूविंग है कार, समझ रहे हो, तो यानी कि अब ई इसको देख रहा है, तो जब ई इसको देखेगा, जब कार ऐसे मूव करेगी, तो ये जो पर्सन है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, जैसे आपको ट्रीज दिखाई देते हैं, ऐसे ये पर्सन भी दिखाई देगा जो कार में बैठा हुआ है, उसको ये पर्सन कैसे दिखेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ए ई के लिए क्या है, मोशन में है। तो देख लो बात ए की ही हो रही है, बी के साथ वो क्या है, रेस्ट में है, ई के साथ वो क्या है, मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। और सराउंडिंग की भी कहानी समझनी है। सराउंडिंग में मतलब क्या है कि ए की ही बात हो रही है, जब सराउंडिंग मतलब हम लोग ही हैं, आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो सब सराउंडिंग की बात होगी, ठीक है। बी के साथ देख रहे हैं सराउंडिंग में मतलब बात हो रही है, जब बी के साथ देख रहे हैं तो रेस्ट में, ई के साथ देख रहे हैं तो मोशन में। तो सराउंडिंग का बड़ा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल है, तभी यहाँ पर जो डेफिनेशन थी यहाँ सराउंडिंग जरूर लिखा होता है। टाइम की तो बात है ही, लेकिन सराउंडिंग की भी बात है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर अलग अलग के साथ इसको कंपेरिजन कर रहे हैं कि बी के साथ देखा और फिर ई के साथ देखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, अब ये मोशन में है यहाँ पर ये कार, ठीक है, लेकिन ई विद रिस्पेक्ट टू एफ का मतलब क्या है कि एफ देख रहा है ई को, तो उसके लिए तो ये क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि उसके लिए तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है ई की, समझ रहे हो। अब अगर हम बात करें ई की विद रिस्पेक्ट टू
ए कह लो या बी कह लो या सी कह लो, कुछ भी, ठीक है। ए से हम अगर कंपेरिजन करें कि ए अब देख रहा है ई को और ये तो मोशन में है कार, तो ऑब्वियस ही बात है इसके लिए तो ई भी ऐसे मोशन में ही दिखेगा इसको, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद टाइम। जब ए इसको देख रहा है ई को तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया। तो देख रहे हो आप ई की जब हमने बात करी एफ के साथ तब रेस्ट में था, और जब ए के साथ बात करी तो वो किस में था, मोशन में था। और याद रखना विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू ए है तो ए इस ई को देख रहा है, ना कि ई ए को देख रहा है, समझ लो ए ई को देख रहा है, ऐसे आपको ये चीज सोचनी है। तो कुछ भी आ जाए एग्जाम में विद रिस्पेक्ट टू समथिंग तो आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या रेस्ट में होगा और क्या मोशन में होगा। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं आई है, बिल्कुल सिंपल कहानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म्स की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप वेरियस एग्जांपल्स बुक्स में भी देख सकते हो, ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होंगी या रेफरेंस बुक्स होंगी वहाँ पर भी आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास रेस्ट एंड मोशन और इसकी रिलेटिव टर्म्स के बारे में बात की थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ मोशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के मोशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।